हेलो गाइस, दिस इज मी मुस्कान वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी व्लॉग्स। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड वेल। सो तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसको यूज करने के बाद आपका जो डैंड्रफ है वो जड़ से खत्म होगा एंड आपको मिलेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अपनी वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ले लेना है एक फ्रेश लेमन। अगर आपके बाल कमर से थोड़े छोटे हैं तो आप ले सकते हैं हाफ लेमन। अगर आपके बाल कमर तक हैं और उससे लंबे हैं तो आपने एक लेमन ले लेना है अपनी स्कैल्प के अकॉर्डिंग। एंड देन उसके बाद उसका पूरा जूस आपने निकाल ले लेना है एकदम स्क्वीज़ करके। एंड उसके सारे बीज आपने हटा देने हैं, नींबू के बीज आपने हटा देने हैं। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँगी कि मेरी स्कैल्प जो है काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ से भरी हुई है, ताकि जिससे आपको यकीन हो कि हाँ वही वाकई में इसकी जो मेरी स्कैल्प है वो उसमें काफ़ी सारा डैंड्रफ है। एंड अब ये मेरी मम्मी है तो ये मेरे बालों में लगाएंगी लेमन जूस। लेमन जूस मम्मी बहुत अच्छे से लगाती है। एंड ये मम्मी की रेमेडी है कि अगर तुम्हारे बालों में डैंड्रफ है तो आप एक काम करो, अगर आपके बालों में ऑयलिंग है आप इसके अंदर तेल भी मिला के लगा सकते हैं, बट अगर आपके बालों में पहले से ही ऑयल डला हुआ है तो आप खाली लेमन को स्क्वीज़ करके आप अपने बालों के अंदर स्कैल्प के अंदर लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है। और नींबू तो हर किसी के घर में अवेलेबल रहता है गाइस, तो आप लोग इसे लगा सकते हैं एंड सच मानिए आपको इस राहत मिलेगी। एंड दूसरी चीज़, अगर आप अपने बालों के अंदर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इसे अपनी लेंथ पर नहीं लगाना है, आपने ओनली स्कैल्प पर लगाना है, वो भी हल्के हल्के हाथों से। एंड उसके बाद जब ये पूरा अच्छे से लग जाए तो आप अपने जो स्कैल्प है उसको अच्छे से मालिश कर सकते हैं। आप लेमन जूस के अंदर मिला सकते हैं कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, एंड सरसों का ऑयल भी आप मिला सकते हैं। बट जो मैंने लगा रखा है वो मैंने अपना जो रेगुलर बेसिस पे ऑयल यूज़ करती हूँ उसी वो लगा रखा था, एंड उसके ऊपर ही मैंने लेमन जूस लगवा लिया क्योंकि मेरे डैंड्रफ काफ़ी हो रहा था। एंड जब मैंने इसे लगाया तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी इचिंग हुई, बट उससे कुछ नहीं होता गाइस, क्योंकि आपको लेमन तभी असर करेगा जब इससे आपके स्कैल्प पर इचिंग होगी, क्योंकि जो लेमन होता है उसके अंदर मिला होता है विटामिन सी, विटामिन बी एंड फॉस्फोरस की भरपूर मात्रा भरी होती है लेमन के अंदर, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इचिंग भी प्रोवाइड करेगी एंड आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में। एंड आपको मैं एक बात और बता दूँ कि आपने इसको अच्छे से मसाज करनी है, एंड साथ ही आपको मसाज इस तरीके से करनी है कि मतलब आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है हेड की वो हो जाए, क्योंकि डैंड्रफ जब भी होता है ना तो उसके बाद से गाइस हमारे बालों के अंदर इतना ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कि हम बता नहीं सकते। हमारी स्कैल्प भी वीक हो जाती है, रूट्स भी वीक हो जाती है, एंड साथ ही साथ हमारा हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपनी स्कैल्प पर लगवाना है एंड ऑयल के साथ भी लगा सकते हैं, बट मेरे बालों में यहाँ पर ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा कि मेरी शाइनिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा हेयर, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऑयल को अवॉइड किया एंड मैंने लेमन जूस लगाया है। तो आप भी ऐसे लगवाएं। एंड ये मेरी मम्मी मुझे काफ़ी हेल्प कर रही हैं बालों में लगाने के लिए। आप भी अगर चाहें तो किसी और से या अपनी मम्मी से या कोई भी बड़ा हो उससे आप हेयर ऑयल लगवा सकते हैं ईजिली। तो मैंने भी यहाँ पर यही करा है एंड अब मम्मी मेरे फाइनली लगाने वाली हैं। एंड लगने के बाद जब अच्छे से लग जाएगा जूस तो मम्मी थोड़ी सी करेंगी मसाज, ताकि जिससे मेरे बालों की ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहे। और गाइस आप लोगों ने इसे अपने रूटीन के अंदर शामिल करना है, बिकॉज लेमन के अंदर इतनी पावर होती है कि वो अगर आप इसे एक बार ही अपने स्कैल्प पर लगाएंगे तो उसे वन वॉश के अंदर ही आपको वो अच्छे से रिजल्ट दिखा देगा, आपकी स्कैल्प एकदम डैंड्रफ फ्री हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, मैं अभी आपको खुद आगे रिजल्ट दिखाऊंगी, अभी तो मम्मी मेरे लगा रही हैं। एंड आपने इसे लगाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक अपने बालों में रखना है। बालों में रखने के बाद आप क्या करें, इसे जो भी आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं आप उसे धो दें। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरा जो जितना भी लेमन जूस है वो खत्म हो गया ऑलरेडी। एंड मम्मी हल्का सा लेंथ पे भी हाथ फैला रही हैं कि कोई नहीं, लेंथ पे भी लगाने से अच्छा रहेगा। तो अब ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए मम्मी जो है, ताकि मेरे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, तो मम्मी अच्छे से मेरी स्कैल्प पर मसाज कर रही हैं। आपने भी इसी तरीके से करवानी है तो ये काफ़ी अच्छी रहती है, आपको इससे रिलैक्स फील होता है एंड साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता ही है। एंड आपके जो कभी भी हेडेक हो रहा होगा या सिर दर्द हो रहा होगा तो उससे कि ये एक्सरसाइज हो जाती है हेड की, जो आपको ज़रूरी करनी होती है। तो चलिए गाइस आप लोगों ने देख लिया है, एंड अब मैं इसको 2 घंटे रखने के बाद अपना करूँगी हेड वॉश। हेड वॉश करने के बाद मैं आपको सिंपली इसका रिजल्ट दिखाऊँगी कि कितना बढ़िया रिजल्ट रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कैसे
कैसी रही है। तो अभी तो मम्मी मेरा मसाज ही कर रही हैं। एंड आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, आपने लेमन जूस लगवाने के बाद मसाज अच्छे से करवानी है, ताकि जितना भी डैंड्रफ होगा आपके स्कैल्प पर, वो ऐसी मसाज से जब आपके फिंगर्स लगेंगी ना स्कैल्प के ऊपर, तो वो अच्छे से निकल के आ जाएगा। एंड अब मम्मी मेरे बालों में कॉम कर रही है, कॉम करके मम्मी मेरे बालों का एक अच्छा सा बन बनाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर ही कितना सारा लेमन आ गया एंड डैंड्रफ भी आ गया। तो अब फाइनली मम्मी मेरा बना रही है बन, एंड अब मैं इसे 2 घंटे के बाद वॉश कर लूँगी। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ओवरनाइट रखने में भी इसे कोई इशू नहीं है, एकदम नेचुरल है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होने वाला है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो इसे रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही सिंपल है, ईजी है, एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताएँ। एंड मैं आपको अब दिखाऊंगी रिज़ल्ट जब मैं अपना हेड वॉश कर लूँगी, तो रिज़ल्ट के लिए वेट करें। एंड आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कितना अच्छे से मम्मी ने परफेक्टली बन बना दिया है। तो गाइस अब आती है रिज़ल्ट की बारी। मैंने 2-3 घंटे के बाद अपना हेड वॉश करा है, एंड आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेरी जो स्कैल्प है क्लीन हो गई है। एंड सच में मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको दिखाऊँ रिज़ल्ट, सच बता रही हूँ मैं। मैंने इसको यूज़ करे हुए 1 वीक हो गया है, तो मतलब 1 वीक से मैंने अपने बालों में ऑयल नहीं डाला। जितना मेरा डैंड्रफ था उससे काफ़ी, मतलब 50% मेरे को फर्स्ट वॉश में ही इतना इजीली वो फ़र्क मिल गया कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग सैलून में पैसा खर्च कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप एक नींबू के अंदर भी पैसा खर्च कर सकते हैं, इसे अपने बालों में लगा सकते हैं, एंड इसे ओवरनाइट रख के आप अपने बालों की केयर कीजिए एंड डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे आपके बाल में। ट्रस्ट मी, आप इस रेमेडी को यूज़ करना एंड मुझे रिजल्ट दिखाना। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगी, मैंने पूरी कोशिश करके आपको रिजल्ट्स भी दिखाए। गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है ना क्या करना है, मेरी वीडियो पे करना है लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए गाइस करते हैं यहाँ पर वीडियो का एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।